मोनिका अंदा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पराठे, वो भी तीन प्रकार के आटे मिक्स करके। आइए तो मिक्स आटे के पराठे बनाना शुरू करते हैं। मिक्स आटे के पराठे के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है, इसको छान लेंगे। 2 कप बेसन ले लेंगे। 2 कप मक्की का आटा ले लेंगे। इन तीनों को अच्छे से छान देंगे। ये मैंने छान दिया तीनों को, और ये बेसन थोड़ा बारीक है तो इसकी थोड़ी गुठलियां पड़ गई, इनको भी अच्छे से प्रेस करके हाथों से और छान देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 2 बारीक कटी हुई प्याज, चार पांच हरी मिर्च, 5 हरी मिर्च भी इनको बारीक काट लिया है, और 1 चम्मच लहसुन अदरक जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप कर लिया है। और यहाँ डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, और ये है बारीक कटी हुई फ्रेश मेथी जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ करके और बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है, और ये है 1 चम्मच कच्ची हल्दी जिसको मैंने बारीक पीस लिया है, और अब 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हम सेंधा नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने गुनगुना पानी ले लिया, हल्का गर्म पानी है ये, इससे हम आटा लगा लेंगे। आटा हमने बिल्कुल सॉफ्ट लगाना, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं या जैसे घर पे पराठे बनाते हैं उसका आटा लगाते हैं, उसी प्रकार से हमें ये आटा तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से आटा गूंथ लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना एकदम बढ़िया, जिससे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। आटा भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगाना पड़ता है, बिल्कुल परात को साफ करके। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से बढ़िया सा लग गया है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे, जिससे हमारा जो आटा है अच्छे से फूल जाएगा, और उसके बाद हम बनाएंगे इसके पराठे। आधा घंटा हो गया है, आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है पराठे बनाने के लिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लचीला आटा लग गया है। अब हम बनाएंगे इससे पराठे। हम इतना आटे के ये एक लोई ले लेंगे, जो हम रोटी बनाते उससे थोड़ा ज्यादा आटा लेंगे, और इसको इस प्रकार गोला बना के, और ये थोड़ा हमने गेहूं का सूखा आटा ले लिया है, इसमें लपेट के इसको बेल लेंगे। और इसके अंदर लगा लेंगे थोड़ा सा घी इस प्रकार से, और इसको कर देंगे हम फोल्ड। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर शेप में बनाऊंगी। ये देखिए,
तवा हमारा गरम हो गया है, अब हम डाल देंगे इस पे पराठा। और गैस फ्लेम मीडियम रखेंगे, फुल फ्लेम नहीं रखेंगे हम। अब हम पराठे को पलट देंगे। देखिए एक साइड से कितने अच्छे तरीके से सिक गया है, अब दूसरी साइड से सिक जाएगा। अब हम इस साइड से भी अच्छे से सिक गया है, अब इस पे लगा देंगे हम घी। सर्दी का सीजन है, थोड़ा घी तो पराठे पे ज्यादा लगेगा ही, जिस तभी तो पराठे में टेस्ट आएगा। और इसमें तो वैसे भी मक्की और बेसन है, इसमें पराठे में ज्यादा घी लगाना तो बनता है। और ये देखिए कितना अच्छा पराठा सिक कर तैयार हो गया है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, ये पराठे बहुत ही टेस्ट और बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा पराठा सिक गया है। इसी प्रकार से हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। अब इसको उतार लेते हैं, ये सिक कर बिल्कुल तैयार हो गया। इसी प्रकार से दूसरा पराठा बना लेंगे। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इसमें लहसुन खाते हैं तो डाल लेना, नहीं तो बिल्कुल मत डालना, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने, हम लोग लहसुन खाते हैं इसलिए मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। अगर आप नहीं खाते तो आप बिल्कुल ना डालें, ऑप्शनल है। और अगर आप तेल में पराठे खाते हैं तो आप तेल में भी बना सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं। देखिए हमारा दूसरा पराठा भी सिक कर बिल्कुल तैयार हो गया है, अब हम इसे भी उतार लेंगे और बाकी के सारे पराठे इसी प्रकार सेक लेंगे। पराठे बनकर बिल्कुल तैयार है। हमने तीन प्रकार के आटे मिक्स करके हमने पराठे बनाए हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। और ये हरी मिर्च का अचार इन पराठों के साथ, अगर हम हरी मिर्च का अचार और चाय से खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप एक बार जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को।